वहीं उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री राहुल यादव से हमारे संवाददाता रजत अग्रवाल ने नैनीताल में खास बातचीत की। इस दौरान पूर्व मंत्री राहुल यादव ने कहा कि नैनीताल की जनता ने हरीश रावत पर भरोसा करके कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला है। नैनीताल उधम सिंह नगर के विकास में चौमुखी चार चांद लगेंगे और क्या कुछ कहा राहुल यादव ने, आप भी सुनिए। हम इस वक्त मौजूद है नैनीताल के मल्ली ताल में। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ चुनाव हो चुके हैं और कई प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। हालांकि 23 मई को पता लग पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री राहुल यादव। जी राहुल, वोटिंग हो चुकी है, क्या कुछ कहना है? कहना क्या है, अब तो हम खुशी महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो हमें भरपूर प्यार और आशीर्वाद जनता ने दिया, हमारे समर्थन में मतदान किया, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहले धन्यवाद करता हूं मैं माननीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने इतने सारे वादे किए जिन पे हम खड़े उतरेंगे, और जो एक जाहिज है, क्योंकि नाजायज वादा नहीं किया कोई भी मोदी जी की तरह। जैसे वो कहते हैं कि हम तो 15 लाख खाते में दे देंगे, हम तो किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, फिर वो करते नहीं हैं। तो हमने जो वादा किया है हम उसको पूरा करेंगे और उस पर पूरा खड़े उतरने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि भाजपा भी लगातार अब दावे कर रही है कि जो जीत है वो उनकी होगी, इस पर क्या कहना है? देखिए, उनकी गलती नहीं है, हर इंसान अपनी जीत की दावेदारी करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लोकसभा में चुनाव हुआ था, वोटें पड़ी थी, उनसे एक पूरे देश का एक रास्ता खुलने जा रहा है। जो एक दबा हुआ महसूस करता था देश का नागरिक अपने आप को, उसको अब जीत मिलेगी। एक गरीब आदमी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता था, एक छोटा दुकानदार अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता था। मोदी जी ने जिसमें GST लगाने का काम किया, गब्बर सिंह टैक्स, उन्होंने जैसे कि डीजल के पेट्रोल के मामले में आप देख लीजिए, काफ़ी उन्होंने रेटों को ऊपर रखा। वो चाहते तो उसको कम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा, क्योंकि वो अपने आप में तानाशाही चल रहे थे, एक घमंडी सरकार है बीजेपी, उसने ये सोचा कि हमारा तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, ना हमारा कुछ बिगड़ने वाला है। तो उन्होंने किसी भी चीज़ के रेट कम नहीं किए। तो हम इन सब चीज़ों पर फोकस कर इन पर निगरानी रखेंगे और इस सब चीज़ का संज्ञान लेकर इसको हम सबको रेटों में, रीजनेबल रेटों में लाने का काम। तो 2 से 2.5 साल यहाँ उत्तराखंड में बीजेपी सरकार को हो गए हैं, इनके विकास कार्यों को किस गति पर आंकते हैं आप? देखिए, जब सरकार इनकी बनी थी 2017 में, तो एक मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम डबल इंजन सरकार चलाएंगे उत्तराखंड में। चुनाव में 2017 में हमने भ्रमण किया था, चुनावी सभाएं हुई थी जो एक सिस्टम के अनुसार हुई थी, होनी भी चाहिए, हम भी थे अपनी सभाओं में। तो हमने इनकी एक स्पीच में सुना था, इन्होंने कहा था कि हम डबल इंजन सरकार लाएंगे। तो मोदी जी की बात अच्छी थी, सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी उत्तराखंड वासियों को, लेकिन जब डबल इंजन सरकार आई तो मुझे लगता है वो इंजन आज तक पटरी पर तो चढ़ा ही नहीं, वो रास्ते में खड़ा हुआ, अटका हुआ खड़ा हुआ है। तो हम समझते हैं कि जो इन्होंने वादे कर जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, कम से कम उन कामों को हम अपना संज्ञान लेकर उनको पूरा करने का काम करेंगे। तो 23 मई को कांग्रेस वापसी कर रही है, ये कहना है, ये दावा करते हैं? बिल्कुल करेगी 23 तारीख में कांग्रेस वापसी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इन्होंने हमेशा कांग्रेस से एक सवाल पूछा है कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। हर इंसान को, नौजवान को, बुजुर्ग को हमेशा ये चीज़ दिखाया है कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, लेकिन हमने इनसे ये पूछा कि कांग्रेस ने 60 साल में मान लिया कुछ नहीं किया इनके हिसाब से, लेकिन इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ 5 साल में करना चाहिए था। इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लिया, राम मंदिर नहीं बनवाया, इन्होंने धारा 370 नहीं हटाई, इन्होंने गरीबी को खाते में जो एक बात हुई थी कि 15 लाख रुपये आएंगे, वो नहीं किया, और लास्ट में गरीब का दिल तोड़ दिया अमित शाह जी ने कह के कि वो तो हमारे चुनावी जुमले थे। तो अपने आप ही ये कहते हैं, अपना आप ही फिर ये कहते हैं कि ये तो हमारे चुनावी जुमले हैं। चौकीदार ने राफेल विमान में चोरी की है जो करनी नहीं चाहिए थी, एक देश के साथ में सेना के नाम पर ये वोट मांग रहे थे। जब चुनाव से पहले सेना का इन्होंने देखा आपने, मीडिया में काफ़ी इन्होंने किया। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि ये बहुत भ्रष्ट सरकार है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, 2022 के दोबारा मुख्यमंत्री हरीश रावत जी होंगे, उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी
और अजय भट्ट जी यहाँ से हार चुके हैं नैनीताल से, और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता पर जिन्होंने मुझे भरपूर और प्यार और आशीर्वाद दिया। मैंने कम से कम 50 नुक्कड़ सभाएं की थी, उन्होंने मेरे से वादे किए थे कि राहुल जी आपकी बातों को पर खरा उतरा जाएगा। उसकी वजह थी रावत जी ने बहुत विकास कराया है यहाँ पर। रावत जी ने जितना विकास उत्तराखंड में कराया है, क्योंकि रावत जी हरीश रावत वो नाम है, वो इतिहास है जिसको बच्चा बच्चा जानता है। हरीश रावत नाम नहीं, आंदोलन है, लड़ाई है। हरीश रावत एक जुनून है। हरीश रावत हिमालय का वो पत्थर है जो दब तो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बंजारे हैं हम, रिश्तों की तिजारत नहीं करते, कभी भी किसी को झूठे दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। अरे लड़ना है तो खुलकर मैदान में लड़ो, हम कभी भी किसी के कबीले में बगावत नहीं करते। ये कांग्रेस वापसी कर रही है, आपका कहना है कि 23 मई को कांग्रेस वापसी करेगी, 100% कांग्रेस वापसी करेगी। जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो 60 साल का हिसाब पूछते हैं, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जिस हेलीकॉप्टर में, जिस विमान में आप उड़कर विदेश की यात्रा करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की देन थी, वो कांग्रेस पार्टी ने दी थी, ना कि बीजेपी ने दी थी। जिस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जुमलों को आप बयान करते हैं, वो टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी ने दी थी। इस देश को आज़ाद कराने में हमारे कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं, और इसको जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और अपनी जान उन्होंने इस देश पर निछावर कर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, और इनको शर्म आनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी आवाज़ नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं तो इस बात का जवाब मुझे दे दें कि ये क्या करना चाह रहे हैं, आखिर ये देश को डुबाने का काम क्यों कर रहे हैं। देश की जनता ने इन पर भरपूर भरोसा कर इनकी सरकार लाए थे। राहुल यादव, इनका साफ तौर पर कहना है 23 मई को कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बना रही है। कैमरा पर्सन सुदेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, CNN News नैनीताल।